अगर अभी तक आपने पालक दम आलू की सब्जी नहीं खाई है ना, तो अब ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा और खाइएगा, और उसके बाद में मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए बनाते हैं आज की यमी स्पेशल पालक दम आलू की सब्जी। तो यहाँ पर मैंने लिए हुए हैं पालक के फ्रेश पत्ते। अब आपको सोच लग रहा होगा कि ये बिल्कुल फ्रेश तो आपको दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि ये वॉश किए हुए हैं। मैंने पालक को तोड़ लिया था, तोड़कर इनको वॉश कर लिया था ताकि इनका पानी अच्छे से निचूड़ सके। उसके बाद यहाँ पर ये है आलू, तो दम आलू बना रहे हैं। तो भाई ये आलू है ना, तो इनको काटा नहीं है, एक आलू से 20 से 2 टुकड़े कर दिए हैं आलू के। और प्याज है, क्योंकि इसका मुझे बनाना है मसाला। तो देखिए, कुकर में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था, और सब्जी तो मैंने पहले ही वॉश करके रख ली थी। अब यहाँ पर जो इसका मेन प्रोसेस है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये है आलू, और इसको ना फॉक की हेल्प से इस तरह से इसमें होल कर लेंगे, फॉक से इस तरीके से। सारे आलू में करना है, आप चाहे तो आलू जो है ना उनको क्रैक भी कर सकते हैं। मेरा मन था कि मैं क्रैक करके बनाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो क्रैक करके तो हमेशा दम आलू बनाती हूँ, आज इसमें मैं फॉक से ही होल कर देती हूँ, मतलब हल्के हल्के से, ताकि अंदर तक इसका जो टेस्ट है ना सब्ज़ी का और नमक का अंदर तक जाए आलूओं में। तो ये देखिए, आलू को मैंने फॉक से होल करने के बाद में अच्छे से वॉश कर लिया था, और उसके बाद में एक कॉटन क्लॉथ की हेल्प से इसको अच्छे से पोंछ लेंगे, ताकि आलू से सारा पानी सूख जाए। क्योंकि आलूओं को करना है फ्राई, और आलू अगर गीले रहेंगे और इनको ऑयल में फ्राई करेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा छींटे उठेंगे और उससे हमारा किचन भी गंदा हो जाएगा। तो इनको पोंछ लेंगे, अच्छे से पानी सुखा लेंगे, तो फिर अच्छे से फ्राई हो जाएंगे और किचन भी गंदा नहीं होगा हमारा। तो यहाँ पर जब तक ऑयल गर्म हो रहा है, तब तक मैं बाकी की तैयारी लगा लेती हूँ। ग्रेवी बनाने के लिए हमें जो मसाला चाहिए, उसके लिए मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज कट कर ली है। बड़े साइज़ की तो नहीं है, तो आप छोटे साइज़ की 2 प्याज कट कर लीजिए। मेरे पास बड़े साइज़ की थी, तो मैंने एक ही प्याज ले ली है। इसमें कुछ कलियाँ लहसुन की ऐड कर रही हूँ, ये देखिए। और इसमें मैं मिलाऊंगी अदरक, तो अदरक मैं कद्दूकस से ग्रेट करने के बाद में ही इसमें ऐड करूंगी, क्योंकि ये जो मेरा मिक्सी ग्राइंडर है ना जार है, तो ये ना थोड़ा सा कम वर्क करता है, तो इसलिए मैं इसको ग्रेट कर दूंगी अच्छे से, ताकि ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए। उसके बाद में इसमें मैं ऐड करूंगी 2 सूखे साबुत लाल मिर्च, और यहाँ पर मैंने ली है थोड़ी सी जावित्री, और बस अब इसका मैं फाइन पेस्ट बना लूँगी। और यहाँ पर देखिए, आलू तेल गरम हो गया, तो मैं सारे आलू जो है ना, तो इसको फ्राई कर लूँगी। अब आप सोचेंगे कि कुकर में आलू फ्राई हो रहे हैं, तो जी हाँ, क्योंकि कुकर में ही आज मैं पालक दम आलू की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। कुकर में मैं फर्स्ट टाइम इस तरह से सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि मैं मोस्टली लोहे की कढ़ाई में या फिर कढ़ाई में ही सब्ज़ी बनाना पसंद करती हूँ। पर आज मेरा मन किया चलो पालक दम आलू है ना कुकर में बनाते हैं, देखते हैं कैसा बनता है। तो यहाँ पर सरसों के तेल में ही मैं आलू डीप फ्राई कर रही हूँ अच्छे से। ये देखिए, प्याज का मसाला पीस लिया है। उसके बाद में यहाँ पर मैंने टमाटर का भी पेस्ट बना लिया था, और अब मैं यहाँ पर पालक को ग्राइंड करूँगी। मैंने पालक को बॉईल नहीं किया है, आप लोग चाहे तो बॉईल भी कर सकते हैं। और मैं हमेशा, मैं अपनी जब भी मैं आप लोगों के साथ में कुकिंग वीडियो शेयर करती हूँ, तो मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि मैं एक चीज़ को कई तरीके से बनाती हूँ। इससे पहले मैंने बनाई थी, तो फिर मैंने उसमें पालक बॉयल की थी, और आज मैं पालक को बॉयल नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट पत्ते वॉश करके मैंने ग्राइंड कर लिए हैं। और यहाँ पर देखिए, जब तक मैंने मसाला पीसा, पालक पीसी, टमाटर पीसा, तब तक आलू जो हमारे हैं ना बढ़िया गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, ये देखिए। अब बस आलू को कर लेंगे अलग, मतलब आलू को निकाल लेंगे एक प्लेट में, क्योंकि कुकर में ही सब्ज़ी बनानी है ना, तो जो ऑयल बचा हुआ है उसमें ही हम सब्ज़ी बनाएंगे। इसीलिए मैंने ऑयल इस अकॉर्डिंग डाला था, ताकि उसमें आलू भी डीप फ्राई हो जाए, उसके बाद बचे हुए ऑयल में मैं सब्ज़ी बना लूँ। तो देखिए, सारे आलुओं को मैंने निकाल लिया है, और अभी कुकर भी गर्म है, तेल भी गर्म है, तो लगे हाथ इसमें सब्जी में भी छोंक दे देंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है ढेर सारा जीरा,
और यहाँ पर ऐड करेंगे हींग, क्योंकि पालक दम आलू है तो हींग ऐड करना तो बनता ही है। साथ ही साथ मैंने हल्दी भी ऐड कर दी है, क्योंकि इसमें जब मैं लहसुन प्याज का पेस्ट डालूँगी ना, तो हल्दी पहले ऐड करने से क्या होता है ना कि मसाले से छींटे कम उठती हैं। तो ये देखिए, और इससे ना स्वाद में भी फ़र्क आता है और कलर में भी फ़र्क आता है। मैं जब भी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाती हूँ मसाला पीस के, तो मैं हल्दी पहले ही ऐड कर देती हूँ। और यहाँ पर मैंने कुकर के ढक्कन को भी लगा दिया था, मतलब ऊपर से रख दिया था, जिससे कि छींटे बहुत ज़्यादा ना उठे, क्योंकि किचन भी बहुत फिर मैसी मैसी सा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, इसको बीच बीच में लगातार चलाते रहेंगे, जिससे कि मसाला हमारा जल्दी से अच्छे से भुन जाए और कुकर में ना लगे। और जैसे ही मसाला भुन गया था, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया था टमाटर का पेस्ट। मैंने 2 छोटे साइज़ के टमाटर का पेस्ट बनाया हुआ था, ज़्यादा टमाटर मुझे ऐड नहीं करना था। और यहाँ पर देखिए, टमाटर का पेस्ट भी अच्छे से भुन गया है, तो मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, क्योंकि मैंने साबुत लाल मिर्च ऐड किया हुआ था ना, इसलिए। तो यहाँ पर देखिए, साथ ही साथ मैंने नमक भी ऐड कर दिया और थोड़ा सा पानी भी मिला दिया था, ताकि मसाले अच्छे से भुन जाएँ। तो ये देखिए, यहाँ पर करीब जो तेल है मसालों से सेपरेट हो गया है, ये देखिए। और थोड़ा सा आप लोगों को बैकग्राउंड से अगर कोई आवाज़ आ रही हो, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि बाहर काम लगा हुआ है। मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अब यहाँ पर मैंने इसमें ऐड कर दिया है जो आलू मैंने फ्राई किए हुए थे ना, इनको मैंने ऐड कर दिया है, और इनको भी मसालों के साथ में थोड़ी देर अच्छे से भून लेंगे। और उसके बाद में इसमें ऐड कर देंगे पालक जो हमने पीसी हुई थी ना, उसको ऐड कर दिया है। और ये कच्ची पालक हमने पीसी हुई थी, तो इसीलिए इसको मसालों के साथ में थोड़ा अच्छे से भून लेंगे। मसालों के साथ में पालक बहुत अच्छे से भून जाती है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए, पालक, आलू, मसाले सब बहुत अच्छे से मिक्सअप हो गए हैं और भुन गए हैं। अब यहाँ पर ज़रूरत के अनुसार इसमें ऐड कर देंगे पानी। तो जिस मिक्सी जार में मैंने पालक को पीसा था ना, उसी में मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है, जितना मुझे ग्रेवी के लिए चाहिए था, और मैंने इसमें ऐड कर दिया। एक सीटी इसमें लगाई है मैंने, और ये देखिए, हमारी जो सब्ज़ी है बनकर हो गई है तैयार। बहुत ही बढ़िया वाली सब्ज़ी बनी है, पालक दम आलू की, और रोटी के साथ में, चावल के साथ में बड़े प्रेम से खाइए, आपको बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी। ये देखिए, इसकी ना ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनकर तैयार हुई है। तो ये रही हमारी आज की स्पेशल पालक दम आलू की सब्ज़ी। आप लोगों को अगर पसंद आई हो ना, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बस फटाफट से इसको मैं बाउल में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। तो देखिए, ये वाली जो सब्ज़ी है ना, ये बहुत ही हेल्दी भी होती है, इसीलिए आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। राधे राधे।